संयम, इनका धैर्य, इनका सम्मानजनक भाषा जहां इनका सम्मान अर्जित करेगी वहीं दिल्ली की जनता को भी सम्मानित करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, इस अवसर पर हम सबको मीडिया को संबोधित करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बड़ा कदम दिल्ली सरकार का आज, और दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम ये लिया है। अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से वो प्रेस ब्रीफिंग और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज दिल्ली के लिए दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि पहली बार दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो शुरू होने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि नीले रंग के ये सारे ऑटो जिनको अभी झंडी हरी झंडी दिखाई गई, ये सारे आज से दिल्ली की सड़कों पे चलने चालू होंगे। प्रदूषण को देखते हुए धीरे धीरे हम सभी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ले जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में दिल्ली में अब ऑटो सड़कों के ऊपर इलेक्ट्रिक ऑटो चलने चालू होंगे। अभी जिन जिन कुछ एक सिंबॉलिक तौर पे कुछ ऑटो वाले भाइयों को बहनों को उनके कागज़ सौंपे गए, आपको देखना चाहिए था कितनी खुशी थी उनके सबके चेहरे पे, इतने खुश थे सब लोग। तो एक तरफ कई सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज 4,500 का लगभग अभी रिलीज़ किया है कोटा, 3,500 लोगों को LOI जारी हो चुके हैं। तो ये 3,500 लोग दिल्ली की सड़कों के ऊपर ई ऑटो चलाएंगे, तो 3,500 परिवारों को रोज़गार भी मिलेगा और दूसरी तरफ ई ऑटो दिल्ली की सड़कों पे चलेंगे। तो मैं इन सभी भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। इन 3,500 में लगभग 500 महिलाएं हैं। मुझे लगता है ये एक तरह से बड़ी गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं भी ऑटो चला रही हैं, अपने परिवार को पालेंगी। मेरे मन में एक डाउट था कि क्या महिलाएं ऑटो चलाएंगी तो उनकी सेफ्टी को लेके इश्यूज तो नहीं हो सकते। तो अभी सुनीता चौधरी जी हैं, एक जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। वो 2003 से ऑटो चला रही हैं, उनको लगभग 19 साल हो गए ऑटो चलाते। बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो ई ऑटो जिन लोगों को आज मिले हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए गर्व का दिन है। ईवी पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने बनाई है, ये ईवी पॉलिसी बहुत ही शानदार पॉलिसी है। पूरे देश के अंदर इसकी तारीफ हो रही है और अब दिल्ली को ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाने लगा है। दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, लेकिन अब ये ईवी कैपिटल भी माना जाने लगा है। और हमें ये लगता था कि लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। हम कहेंगे भाई लोगों को, भाई अगर नई गाड़ी खरीदनी है, नया कुछ खरीदना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। लेकिन जितनी तेज़ी से लोगों ने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने चालू किए, उससे हमें भी आश्चर्य होने लगा है। पहले साल के अंदर ही जब से ईवी पॉलिसी लागू हुई है, इस साल जो व्हीकल्स खरीदे गए टोटल दिल्ली में, उसका 10% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीद रहे हैं। तो लोगों के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके काफ़ी उत्साह है। इसका मतलब जो हमने ईवी पॉलिसी लागू की है वो सही पॉलिसी है, वो लागू हो रही है, उसको लेके लोगों के अंदर उत्साह है। तो ईवी पॉलिसी भी बड़ी अच्छी है और पूरे देश के अंदर अब जगह जगह दिल्ली की तर्ज के ऊपर ईवी पॉलिसी लागू की जा रही है। अगर मीडिया के साथियों के कोई एक दो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इनका किराया कैसे निर्धारित होगा? सेम किराया रहेगा जो दूसरों का है, सेम किराया होगा, दोनों में फर्क नहीं। इनमें जनता को भी थोड़ा सा फायदा मिलना चाहिए।